Students, welcome to history class. Uh, today we are going to start a uh, theme four, that is chapter four, and um, the name of the chapter is thinkers, beliefs, and buildings. Cultural development around 600 BCE to 600 CE. In, in this chapter, we are going to discuss about the same period which we have discussed in second chapter and third chapter, but the uh, like uh, uh, theme is different. That is, we are going to discuss about the cultural development. Okay. सो यू मैट दिंकिंग कि उसी टाइम पर बहुत ऐसे लोग भी लाइक ऐसे इंटलेक्चुअल लोग भी वहाँ पर क्या थे इमर्ज हो चुके थे जैसे सोसाइटी में डेवलपमेंट आया लाइक वहाँ पर डिफरेंट किंगडम्स डिफरेंट स्टेट्स इमर्ज हुआ ऐसे ही वहाँ पर डिफरेंट थिंकर्स इंटलेक्चुअल लोग फिलोसॉफिकल थाट रखने वाले लोग का भी इमरजेंस हुआ था और बर्थ हुआ था सो so, इन्ही लोगों ने डिफरेंट सोसाइटी में क्या किया उस पीरियड पे लाइक न्यू आइडियाज़ ठीक है न्यू थॉट्स क्या किया सोसाइटी के साथ शेयर किया और उसी आइडियाज़ uh, उसी थॉट को लेके लोगों के लाइक like, जहन में लाइक like, उन, उनके लाइफ में कैसे इम्पैक्ट पड़ा तो उन उन उस इम्पैक्ट के दौरान उन्होंने क्या किया लाइक डिफरेंट उन लोगों के चीज़ को कैसे एक्सप्रेस किया दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस थ्रू उन लोगों के कंस्ट्रक्शनल वर्क से बिल्डिंग से दैट मीन्स कंस्ट्रक्शनल वर्क इट कुड बी आर्किटेक्चरल वर्क और स्कल्पचर्स ठीक है सो इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे कल्चरल डेवलपमेंट कैसे हुआ था उस टाइम पे तो वो पढ़ेंगे ठीक है so, तो देखिए सो so, हम इस चैप्टर में क्या पढ़ेंगे एक बहुत लाइक like, uh, पुराना क्या पढ़ेंगे फ़िलोसॉफिकल थॉट पढ़ेंगे जो लाइक uh, like, uh, इस दुनिया को जानने के लिए क्या किया था अटेम्प्ट किया गया था फिलोसॉफर्स ने जो इंटेलेक्चुअल लोग थे ठीक है उन्होंने थिंकर्स ने फॉर एग्जांपल बुद्ध प्लेटो एरिस्टोटल महावीरा दीज आर ऑल इंटेलेक्चुअल पर्सन ठीक है तो उन लोगों के आइडियाज़ को क्या किया कि लोगों ने ओरली और रिटर्न क्या करने का आ, स्टार्ट कर दिया रिकॉर्ड करके रखना स्टार्ट कर दिया ठीक है और वो लोग जो उन लोगों का आइडिया वगैरह था उनको एज वेल एज रिटर्न फॉर्म में ही नहीं औरल फॉर्म में ही नहीं पर आर्किटेक्चरल और स्कल्पचर के थ्रू से भी क्या सोसाइटी में शेयर कर रहा था उन लोगों का आइडियाज़ को ठीक है सो उन लोगों के लाइक like, सोचने के तरीके से आइडियाज़ उन लोगों के लाइक थिंकिंग प्रोसेस से सोसाइटी में क्या हुआ लोगों को लोगों के लाइफ में बहुत ज़्यादा लाइक like, अच्छे तरीके से क्या हुआ इम्पैक्ट पड़ा उन लोगों को बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ा दे वर गेटिंग वेरी इन्फ्लुएंस पीपल्स आर गेटिंग वेरी इन्फ्लुएंस बाय द थिंकिंग प्रोसेस ऑफ़ दिस ऑफ दूस फिलोसॉफर्स ठीक है सो इन लाइक हम क्या करेंगे इस चैप्टर में अवर फुल फोकस विल बी ऑन बुद्धिज्म ठीक है हम बुद्धिज़्म को लेके इस कल्चरल डेवलपमेंट के डेवलपमेंट के बारे में जानना चाहेंगे पर बच्चों ऐसा है कि जब बुद्धिज़्म उस टाइम पे 600 हंड्रेड बी सी में बुद्धिज़्म हो रहा था इसका इमर्जेंस हो रहा था बर्थ हो रहा था उसी टाइम पे बुद्धिज़म के साथ में दूसरा थिंकिंग प्रोसेस दैट मीन्स दूसरे लोग भी दूसरे दूसरे ट्रेडिशन को क्या कर रहे थे स्टार्ट कर रहे थे उन लोगों का ठीक है निजामी अकेला एक ट्रेडिशन नहीं था उस टाइम पे इमर्ज होने हो, हो रहा था ठीक है वहाँ पे दूसरे ट्रेडिशन भी स्टार्ट हो रहा था और कभी कभी क्या कर रहे थे यही ट्रेडिशन एक दूसरे के साथ डिबेट डिस्कशन में भी क्या हो जाते थे इंगेज हो जाते थे ठीक है तो इसी इसी चीज़ को क्या किया हिस्टोरियंस ने ठीक है नाइनटीन सेंचुरी से क्या करना है रिकन्स्ट्रक करने रिकन्स्ट्रक Re करना स्टार्ट कर दिया था ठीक है टेकिंग द हेल्प ऑफ डिफरेंट सोर्सेज सो सोर्सेज पर उन्होंने क्या हेल्प लिया सोर्सेज ने उन्होंने फर्स्ट बुद्धिस्ट टेक्स का हेल्प लिया जैना टेक्स का हेल्प लिया एट द सेम टाइम ब्राह्मिनिकल टेक्स का हेल्प लिया ठीक है उस कल्चरल डेवलपमेंट को अंडरस्टैंड करने के लिए किसने लिया हिस्टोर ने हेल्प लिया एट द सेम टाइम उन्होंने इस बार टेक्स का ही हेल्प ना लेके उन लोगों ने मटीरियल रिमेंस का भी हेल्प लिया तो मटीरियल रिमेंस बच्चों आप आपको मालूम है कि मटीरियल रिमेंस का मतलब क्या होता है मटीरियल uh, रिमेंस में मोनमेंट्स दैट मीन्स एनशेंट बिल्डिंग्स वगैरह लाइक लाइक uh, like, uh, किसी पैलेसेस वग़ैरह इसको कहते हैं मटेरियल रिमेंस मॉन्यूमेंट्स जो उसको मिलते हैं और आपको इंस्क्रिप्शन तो पता ही होगा तो इंस्क्रिप्शन से बहुत ज़्यादा क्या मिलता है हमको इन्फॉर्मेशन वगैरह मिलता है तो हिस्टोरियंस ने इस चीज़ों का हेल्प लिया तो अमंग द मोस्ट इंपॉर्टेंट मोनूमेंट्स ठीक है हिस्टोरियंस ने किसको ज़्यादा फोकस दिया उन्होंने सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस किसको दिया स्तूपा एट सांची को क्या दिया ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया इस कल्चरल डेवलपमेंट को अंडरस्टैंड करने के लिए ठीक है इस चीज़ को उन लोगों के थिंकर्स को उन लोगों के आइडियाज को क्या करने के लिए अंडरस्टैंड करने के लिए सबसे ज़्यादा फोकस दिया हिस्टोरियंस ने इस्तूपा एट सांची जैसे हमने सोसाइटी के बारे में जानने के लिए जैसे हिस्टोरियंस ने टैक्स के बाद टेक्स को लेके क्या किया सोसाइटी का जानने की कोशिश की ऐसे ही स्टूडेंट्स ने कल्चरल डेवलपमेंट को जानने के लिए बहुत ज्यादा सोर्स का हेल्प लिया फॉर अमोंग अमोंग हैव द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दे हैव टेकन इज़ द स्तूपा एंड सांची यू ऑल माई बी थिंकिंग कि इस्तूपा होता है क्या है राइट सो बच्चों, स्तूपा ये होता है देखिए ये एक स्तूपा है इस्पेली बुद्धिस्ट स्तूपा है आप लोगों को पता होगा कि इस्ता क्या होता है तो इस्तूपा हम क्या कहते हैं जो बुद्ध के लिरिक्स वगैरह जो उन्होंने चलाया हुआ उनका रिमेन्स वगैरह यहाँ पे इस जगह पे रखता है सो दिस इज़ द डोम एंड यू कैन सी दिस इज़ द गेट और ये जो इस्तीफा आप देख रहे हो ना स्तूपा ये ऑल ओवर द वर्ल्ड है पर ये जो आप पिक्चर में देख रहे हो ये इस्तीफा कहाँ का है ये स्तूपा है सांची एक सांची बोलने वाला जगह है जो भोपाल है और भोपाल कहाँ पर भोपाल इज इन मध्य प्रदेश आप लोगों को पता ही होगा सो so, यही तो इसी चीज को लेके कल्चरल डेवलपमेंट के बारे में हिस्टोरेंट्स से जानने की कोशिश की तो बच्चों यू कैन सी सो यू ऑल माइट बी थिंक उन लोगों ने स्कल्पचर्स का भी हेल्प लिया था तो दिस इज द स्कल्पचर्स जो शांति से हिस्टोरियंस को मिला था सो so, इस सभी चीज को लेके हिस्टोरियंस ने उस आइडियाज और थिंकर्स इस फिलोसॉफर के आइडियाज को अंडरस्टैंड करने की कोशिश की कोशिश किया है ओके okay? ओके सो अंडर दिस चैप्टर अवर फर्स्ट सब टॉपिक इज अ ग्लिम्स ऑफ सांची ठीक है ग्लिम्स का मतलब होता है थोड़ा लाइक अ ब्रीफ लुकआउट ठीक लाइक क्विक हम क्या करेंगे सांची को देखेंगे कि क्या हुआ था तो नाइनटीन सेंचुरी में ठीक है 19 सेंचुरी में आपको पता होगा कि यहाँ पे बहुत लाइक ब्रिटिशर्स का क्या हुआ था आ, रूल स्टार्ट हो गया था वो लोग हाफ इंडिया को कॉलोनाइज कर चुके थे ठीक है नहीं तो लाइक uh, like, uh, एक बेगम थी जो लाइक like, uh, भोपाल की नवाब थी उनका नाम था शाहजहान बेगम ठीक है शाहजहान बेगम और अलेक्जेंडर कनिंग जो आर्कियोलॉजिस्ट थे आप लोगों को पता ही होगा ठीक है नहीं तो वो दोनों मिलके क्या किया एक बार सांची में चले गए घूमने स्तूपा में सांची इस्तूपा में चले गए घूमने और वहाँ जाके उन लोगों ने देखा कि वहाँ पे तो क्या था बहुत बहुत स्टोन का स्कल्पचर्स था वहाँ पे बुद्धा का स्टैचू था एट द सेम टाइम वहाँ पे बहुत बड़ा बड़ा और बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी और, और यूनिक गेटवेस वगैरह था तो इसी चीज़ को देख के लाइक क्या किया कि अलेक्जेंडर कनहम ने डिसाइड किया कि वो वहीं पे रहकर इस जगह को स्टडी करेंगे तो उस टाइम पे उस सांची स्तूपा बहुत लाइक बिगड़ गया था इट वाज इन रुइन्स ठीक ठीक है है वो लाइक पूरा डैमेज हो गया था तो अलेक्ज़ेंडर कनिंग ने यहाँ को स्टडी करना स्टार्ट कर दिया कि आपको पता ही होगा कि अलेक्जेंडर कनिंग क्या करना चाहते थे लाइक like उस पीरियड को लाइक एंशेंट इंडिया में क्या हुआ था उनको क्या था जानना था तो वहाँ पर रहकर उन्होंने क्या किया, किया कि इस जगह को रिकन्स्ट्रक्ट करना स्टार्ट कर दिया दैट मीन्स उन्होंने एक अच्छा सा मैप बनाया ड्राॅइंग किया कि वो क्योंकि ये जगह पूरा बिगड़ गया था ना तो उन्होंने पहले जगह का ड्राइंग बनाया मे भी मैप बनाया और जो इस स्तूपा में उनका वॉल में रॉक्स में गेट में जो भी लिखा गया स्क्रिप्ट वगैरह को उस उन्हों उनको उन्होंने, उन्होंने उसको डेसीफर किया क्लियर किया और उसके बाद उन्होंने क्या किया स्तूपा के डोम पे क्या किया काम करना स्टार्ट कर दिया ठीक है तो इसी तरीके से उन्होंने जब यहाँ पे काम किया वो उसका सभी इन्वेस्टिगेशन का डेटा कलेक्ट करके उन्होंने अपना इंग्लिश एक इंग्लिश वर्ड के उसमें क्या किया उसमें डिस्क्राइब किया है इस सभी साँची स्तूपा को कि क्या था किस कैसा वाला लाइक like, स्ट्रक्चर्स था ठीक है सभी चीज़ को उन्होंने अपनी काम एलेक्जेंडर कनिहैम ने सभी चीज़ को अपने लाइक uh, like, एक वर्क में प्रिजर्व करके रख लिया और इसी चीज़ को शाहजहान बेगम ने क्या किया है अपनी बुक में जिसका बुक, बुक का नाम था ताज उल इकबाल ताज उल इकबाल तारिक भोपाल सो so, इंग्लिश में इसका मीनिंग है और हिस्ट्री ऑफ भोपाल के भोपाल में क्या किया है शाहजहान बेगम ने इसको एक्सप्रेस किया है और इसी बुक को क्या किया है जो एक इंग्लिश मैन था उसका नाम था एच डी बार्ड स्टो इन 1876 में ये हिस्ट्री ऑफ भोपाल को ट्रांसलेट किया है ठीक है तो लाइक uh, like, uh, ये है छोटा सा सांझी का हिस्ट्री ठीक है सांझी स्तूप में काम ए, क्या है तो ये देख सकते हो कि आप बच्चे देख सकते हो कि ये है शाहजहां बेगम सो सी इज अ वुमेन ठीक है जिसे आपको पता है कि रजिया ऐसे शाहजहान बेगम भी कहते भोपाल के कहते बेगम थी सुल्तान थी और नवाब थी क्योंकि उनके हस्बैंड के डेथ के बाद वहां पे उन लोगों का लाइक लीगल हायर नहीं था जो संभाल सके तो इसीलिए बेगम ने शाहजहान बेगम ने भोपाल को कर, रूल करना स्टार्ट कर दिया था ठीक है सो तो इसका लाइक कैसे लाइक इस जगह को लाइक like, uh, इस जगह में इंटरेस्ट बढ़ा सभी का ठीक है तो देखिए कि जब नाइनटीन सेंचुरी में यूरोपियंस वगैरह यहाँ पे थे तो उन लोगों का क्या होगा नज़र इस स्तूपा पे शांति स्तूपा पे पड़ गया तो पहले क्या नज़र पड़ने वाला लोग कौन था फ्रेंच था आपको पता है कि फ्रेंच भी इंडिया में क्या था उन लोगों का भी क्या था यहाँ पे कॉलोनी वगैरह थे तो फ्रेंच लोगों ने क्या किया शाहजहां बेगम को क्या परमिशन मांगा कि वो लोग क्या चाहते हैं वो लोग सांची का एक गेट को सांची स्तूपा का एक गेट को ले जाके अपने म्यूजियम में रखना चाहते थे और ऐसे ही करके एक इंग्लिश मैन को भी उ, 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 उस जगह का लाइक स्ट्रक्चर्स वगैरह डेकोरेशन वगैरह बहुत बहुत पसंद लगा पसंद आया तो वो भी चाहते थे कि सांची का जो इस्तूपा है वहाँ का चीज़ वो ले जाके अपने कंट्री में ले जाना चाहते हैं ठीक है थीकि? तो लाइक बेगम ने सोचा कि ये तो बहुत बहुत लाइक ये तो हेरिटेज है धरोहर है तो ये तो मैं आपको नहीं दे सकता हूँ पर आप इसका क्या कर सकते हो आप इसको कॉपी बना के प्लास्टर कास्ट कॉपी बना के आप ले जा सकते हो जिससे जो ओरिजिनल पीस है जहाँ था वो वही रहेगा ठीक है तो सभी की नज़र इस स्तूपा पे पड़ चुकी थी ठीक है तो उसके बाद बेगम ने क्या किया कि उन्होंने इनिशिएटिव लिया कि अब क्या करेंगे अभी मैं क्या करूँगा इस जगह को क्या करेंगे प्रिजर्व करके रखूँगा ठीक है एक हेरिटेज बना के रखूँगा जो इससे लोग क्या नहीं कर सके अब फर्दर डैमेज ना कर सके यहाँ से सामान चोरी करके ना ले जा सके तो लाइक शाह लाइक शाहजहां बेगम ने जब इनिशिये तो ले लिया था उनके उनके बाद क्या था उनको जिसने लाइक उनके सक्सेसर थी उनका नाम भी था सुल्तान जहान बेगम ठीक है उन्होंने क्या किया उस काम को जो उन शाहजहान सा, बेगम ने स्टार्ट किया था उसको क्या, -क्या? प्रोसेट किया फर्दर प्रोसीड किया प्रोसीड करने के बाद उन्होंने पैसा लगाया फ़ंड दिया इस जगह को क्या करने के लिए प्रिजर्व करके सेफ करके रखने के लिए लोगों लोगों की नज़र से क्या करने के लिए इस जगह को डिस्ट्रॉय होने से बचाने के लिए उन्होंने पैसा लगाया और जॉन मार्शल को इस काम में लगा दिया और उनको बोला कि जॉन मार्शल आपको पता है जॉन मार्शल इज़ अ फादर ऑफ आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया हमने चैप्टर वन में पढ़ा था डोंट फॉरगेट दिस ये आर्कोलॉजिस्ट थे और जॉन मार्शल इस जगह पे काम करना उन्होंने स्टार्ट कर दिया ठीक है और जॉन मार्शल जब यहाँ पे काम करना स्टार्ट कर दिया तो काम करने के लिए पैसा तो लगता है ना तो पैसा तो किसने लगाया था जेहान बेगम ने इसमें पूरा पैसा लगा दिया था कि इसमें काम स्टार्ट करो यहाँ का प्रिजर्व रे, रे, रेस्टोरेशन वर्क स्टार्ट करो तो जो खर्चा वगैरह जो भी है वो कौन करेगा जेहान बेगम स्टार्ट करेंगे ठीक है तो यहाँ पे क्या किया कि यह इस जगह पे जॉन मार्शल काम करना शुरू कर दिया जो भी उन्होंने लाइक डिस्कवरीज वगैरह किया तो सभी चीज़ को उन्होंने क्या किया कि एक डेटा बनाया और डेटा में किसको किसके नाम पर डेडिकेट कर दिया जेहान बेगम के नाम में डेडिकेट कर दिया था ठीक है तो जब भी यहाँ पे लाइक यहाँ पे क्या हुआ था लाइक क्योंकि ये प्रिजर्वेशन करने का काम बहुत इंपॉर्टेंट हो गया था क्योंकि बच्चों सभी का नज़र लाइक जैसे यूरोपियंस वगैरह ब्रिटिशर्स का जैसे फ्रेंच डच पोर्टुगीज सभी का नज़र इस इस्तीफा पे पड़ चुका था तो यहाँ का जो भी सामान था वो बहुत ज़्यादा क्या था लाइक बहुत ज़्यादा क्या था यूनिक था एंटिक था सभी अपने घर में ले जाके उसको या तो डेकोरेटिव पीस या तो किसी जगह पर बेच देना स्मगलिंग करना तो पैसा कमाना चाहते थे तो इसीलिए शाहजहां बेगम ने ये इनिशिएटिव लिया प्रिजर्वेशन वर्क को लाइक दैट मीनस सेफ इसको सेव करके रखने के लिए उन्होंने स्टार्ट कर दिया ठीक जब यहाँ पे ये सांची इस्तूपा का लाइक like, और भी डिस्कवरेज वगैरह हुआ तो यह ये पता चला कि ये एक सांची इस्तूपा वन ऑफ़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट बुद्धिस्ट सेंटर ऑफ द पीरियड ठीक है और इसको क्या आफ्टर द डिस्कवरी इसको क्या माना गया है ये एक क्या है कि आर्कोलॉजिकल साइट है ओके ऑफ द आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया क्या इस्तूपा सांची ठीक है इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट था ये जगह जो कल कल्चरल व्यू पॉइंट से भी और बुद्धिज्म के बारे में जानने के लिए भी ये जगह बहुत इम्पॉर्टेंट था तो आप बच्चों जो मैंने पहले आपको पिक्चर दिखाया था तो वो तो रिनोवेट किया गया है रिपेयर किया गया है तो ये है एक्चुअल जो नाइनटीन सेंचुरी में जो आम, रिनोवेशन का काम लाइक काम हुआ था तो सांची इस्तूपा ऐसा दिखता था बच्चों देखिए पूरा बिगड़ गया है पुराना है ना ये तो बहुत क्या हो किसी ने इसका क्या किया था आधा सामान चोरी करके ले गया था किसी ने इसका स्टोन वगैरह ब्रिक्स वगैरह चोरी करके ले गया था तो ये इत इतने हालत में वो भी किसके कारण से शाहजहाँ बेगम के कारण से ये इतना बच ये प्रिजर्व हो के होना क्या हुआ था ये सफल हुआ था ठीक है तो इस मोनोमेंट्स तो 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 का लाइक कल्चरल डेवलपमेंट अंडरस्टैंड करने में क्या सिग्निफिकेंस है ये दिस इज अ बिग क्वेश्चन और ये जो स्तूपा वगैरह बनाया जाता था ये क्यों बनाया जाता था ये स्तूपा के अंदर क्या होता था ठीक है और ये स्तूपा के आगे पीछे जो रेलिंग्स वगैरह है गेट वगैरह है इसका इम्पोर्टेंस क्या है और ये स्तूपा को कौन बनाने के लिए कौन फंड देता था ठीक है और ये ये कौन बनाते थे दिस इज अ बिग क्वेश्चन ओके और इसको सबसे इम्पोर्टेंट किसने डिस्कवर किया ये जगह को ठोके सो तो इसी सब कथाओं को फैसिनेटिंग स्टोरी को क्या करें जानने के लिए वी हैव टू लाइक वी हैव टू अनकवर द सांची ठीक है सांची का हेल्प लेना पड़ेगा सांची स्तूपा का और हमें एट द सेम टाइम वी हैव टेकन द हेल्प ऑफ दिस टेक्स द्लचर्स आर्किटेक्चर वर्क एंड इंस्क्रिप्शन है कि नहीं पर इस सभी से पहले हमको क्या करना पड़ेगा इस कल्चरल डेवलपमेंट को जानने के लिए हमें पहले क्या करना पड़ेगा पड़े हमको पहले बुद्धिस्ट बैकग्राउंड में जाना पड़ेगा किसके बैकग्राउंड में अर्ली बुद्धिस्ट ट्रेडिशन के बैकग्राउंड में उसके बाद ही हमको क्या करेगा इस सभी चीज़ के बारे में अच्छे से समझ आएगा ठीक है बच्चों सो आई होप आपको ये फर्स्ट लाइक इंट्रोडक्शन पार्ट समझ आएगा कि व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस इन दिस चैप्टर सो फॉर नाउ दिस मच एनली थैंक यू वेरी मच एंड अ वेरी वेरी नाइस डे